तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और तमाम मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर आप तक इस एक वीडियो में। खबरों की तरफ चलने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि इस बार जनता परिवर्तन के मोड में है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए जय हिंद जय भारत। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए मतदान कल 27 फरवरी को होगा मतदान। ये 56 सीटें 15 राज्यों की है। वोटिंग 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। मतगणना भी इसी दिन होगी शाम के 5 बजे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। बताते चले, उत्तर प्रदेश में 10 सीटें, महाराष्ट्र बिहार में 6-6 सीटें, पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश में 5-5 सीटें, गुजरात कर्नाटक 4-4 सीटें, आंध्र प्रदेश तेलंगाना राजस्थान ओडिशा से 3-3 सीटें हैं और 1-1 सीट उत्तराखंड छत्तीसगढ़ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से है, जहां चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। ये अपडेट निकल के आई है। और वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने जोरदार हमला बोला। मोदी जी का राज्य सभा प्रत्याशी धन्ना सेठ 2-2 करोड़ रुपए का थैला विधायकों को पहुंचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का कहना है कि 2-2 करोड़ रुपए यहाँ पे विधायकों को पहुंचाए जा रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अब ना ही ईडी का पता है, ना सीबीआई का और ना ही इनकम टैक्स का पता है। लखनऊ से अपडेट निकल के आ रही है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में अपने समर्थन पर कहा कि जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ है। आपको बताते चले, राजा भैया राज्यसभा चुनाव पर बोले कि बीजेपी को वोट जाएगा। चुनाव के समय सभी संपर्क करते हैं, लेकिन हमारा वोट भाजपा को ही जाएगा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे पुराने मित्र हैं, देख सकते हैं। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। अभी तक ये समाजवादी पार्टी के साथ थे दोस्तों, लेकिन ठीक यहाँ पे वोटिंग से पहले इन्होंने पलटी मारी है। तो दूसरी तरफ केरल में बीजेपी नेताओं ने अपनी ही पार्टी और केंद्र सरकार की जमकर फजीहत करवा दी। पूरा मामला बताते चले, केरल में भाजपा ने आखिरकार अपनी ही केंद्र सरकार और पीएम मोदी को आईना दिखाया। केरल भाजपा ने एक गाना लॉन्च किया और इस गीत के जरिए लोगों से अपील की कि भ्रष्टाचार में डूबी केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमसे जुड़े। जैसे ही यह गाना लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और लोग बीजेपी को ट्रोल करने लगे। यह अपडेट निकल के आई है। अगली खबर आ रही है, कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, फिर से घिरी मोदी सरकार, कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस का आरोप, सरकार ने नियमों को बदलकर की कोयले की नीलामी। कैग रिपोर्ट में फिर बड़ा खुलासा। आप सभी को बताते चलें, कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि केंद्र ने कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव कर कोयले की नीलामी की और इससे राजस्व का भारी नुकसान हुआ। विपक्षी दल ने यह भी पूछा कि कोयले की नीलामी को लेकर चिंता जाहिर करने वाले भाजपा के दो नेताओं के पत्रों पर सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। कांग्रेस ने अभी पूछा कि क्या सरकार इस मामले की जांच के लिए ईडी को आदेश देगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बड़ी बात कही है। बड़ी खबर दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया गठबंधन को लेकर अपडेट है। पहले यूपी, फिर दिल्ली और अन्य राज्यों में यहाँ पे सीट शेयरिंग पे बात हो गई। अब यहाँ पे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अगला जो बड़ा अनाउंसमेंट है वो जम्मू कश्मीर से आने वाला है। इस महीने के आखिर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है। जो संभावित आंकड़े हैं बताते चले, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें, कांग्रेस 2 और पीडीपी को 1 सीट मिलने की संभावना है इंडिया गठबंधन के तहत। कांग्रेस नेता 2024 के लिए जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उसमें अग्निवीर योजना, पेपर लीक, एमएसपी कानून, पुरानी पेंशन, मजदूरों के लिए न्याय, मुद्रा स्फीति और सरकारी नौकरियों में वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस इस प्रकार के वादे कर रही है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के नेता 2024 के लिए जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उसमें इनके मुद्दे प्रमुख रूप से हैं, मोदी जी को 400 सीटें दे दो, मोदी की गारंटी है, मोदी अकेला शेर है, मोदी को दिला दो सीटें।
मोदी गरीब का बेटा है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन वास्तविक मुद्दों पर अड़ा हुआ है और कौन सत्ता की लालसा में आत्ममुग्ध है। 2024 में लोग कह रहे हैं कि अपना नेता बुद्धिमानी से चुने। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी वायरल हो रही है, जो आपको अभी दोस्तों बताई है यह सोशल मीडिया से ली हुई पोस्ट है। सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना खत्म कर पुरानी व्यवस्था लाएंगे, खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा है पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि करीब 2,00,000 नौजवानों के साथ अन्याय किया गया, जिनका चयन सेना में नियमित सेवा में होने के बावजूद उनकी भर्ती नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा इनकी भर्ती रोककर अग्निपथ योजना लाई गई, जिसके कारण इन युवाओं को इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनी तो अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा और पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी। दिल्ली शराब नीति मामले में अपडेट आ रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आप नेता मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार हुए 1 साल पूरा हो चुका और कोर्ट से अब तक उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। और ऐसे में दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के साथ आप विधायकों ने राजघाट पहुंचकर केंद्रीय जांच एजेंसियों, केंद्र और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आप नेता के खिलाफ लगाए गए आरोप फर्जी हैं। 1 वर्ष का वक्त पूरा हो चुका लेकिन केंद्रीय एजेंसियां एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई, इसके बावजूद उनकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों 7वां समन सीएम केजरीवाल को भेजा गया, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है मामला कोर्ट में है, 16 मार्च को सुनवाई होनी है, फिर ईडी आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उन पर दबाव बना रही है, इंडिया गठबंधन से बाहर जाएं और तब ये कार्रवाई बंद हो जाएंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया वह इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। आप सभी को बताते चले 7वां समन जारी किया गया लेकिन सीएम केजरीवाल यहाँ पे फिर भी पेश नहीं हुए ईडी के सामने। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बीते दिनों रुझान इंडिया गठबंधन की ओर काफी बड़ा है। अब उनका एक बयान आया है, बोले विपक्ष कमजोर नहीं है, जब 2019 में बीजेपी को आज तक की बड़ी सफलता मिली तो उन्हें देश में 38% वोट मिला, यानी 100 में से 62 लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। अगर विपक्ष इन 62 लोगों को एक साथ लाने में कामयाब रहा तो बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव जीतना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि मेरे शब्दों को याद रखिए, 24 में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, मोदी लहर सिर्फ मीडिया में है, जमीन पर कुछ नहीं। सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार पहुंचाए अब तक, ये लेटेस्ट न्यूज थी। पसंद आया हो वीडियो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।